Welcome to Sushmita's Maths class. Here, Maths is made so easy and simple that you will all start loving it. During this pandemic, this is the only thing I can gift you. Children, today we will be doing division. Say, I have a set of 12 sketch pens. I want to give them to 4 of my students who are ready to make gift cards. So, how can I distribute the pens among them equally? So, I'll start taking 12 pens, 12 sketch pens for the first child. I'll give 1 for the second child. I'll give 1 for the third child. I'll give 1 and for the fourth child I'll give 1. That means out of 12 I have given 4 pens. Now 8 pens are left with me. Again I'll give 1 pen to each of the students. That means I have given 4 more pens. Now I am left with only 4 pens. So again I'll give 1 pen to each child. That means I have given 4 and now I am left with 0. So each child has got 1, 2, 3 pens. What have I done? First I have taken out 4 from 12. Pehli bar 4 minus kar diya, 8 reh gaye. Fir se maine 4 minus kar diya, तो 4 रह गए. फिर से मैंने 4 माइनस किया, यानी 3 टाइम्स मैंने 4 माइनस किया, तब जाकर मेरे पास 0 पेंस रह गए. अब अगर मेरे पास 14 पेंस होते, अगर मेरे पास 14 पेंस होते तो पहली बार मैं 4 निकाल देती, मेरे पास 10 रह जाते. फिर 4 निकाल देती, मेरे पास 6 रह जाते. फिर 4 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती तो मेरे पास 2 बच जाता. अब मैं इक्वली इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती हूं, यानी ये 1 2 3 टाइम्स मैंने बच्चों को 4 पेंस दे दिया. इसमें मेरे पास 12 पेंस थे तो कुछ भी नहीं बचा, और इसमें मेरे पास 14 पेंस थे इसीलिए 2 पेंस बच गए. तो ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है इसको डिवीजन कहते हैं. बार बार मैं डिवाइड नहीं करके मैं देख लेती कि 4 अगर मेरे पास स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 14 पेंस हैं तो 4 बच्चों को कितने मिलेंगे. सो 4 का टेबल रीड करूंगी. 4 3 जा 12 और मेरे पास 2 बच जाएंगे, और इसमें 4 से डिवाइड करूंगी. 4 3 जा 12 और मेरे पास कुछ भी नहीं बचे. अब ये जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ पेंस जो मुझे डिवाइड करने हैं, इसको कहते हैं डिविडेंड. इसको कहते हैं डिविडेंड. जो नंबर को मुझे डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है, उसको कहते हैं डिवाइजर. जितने डिवाइड होंगे, हर एक को जितने मिलेंगे, उसको कहते हैं क्वेशेंट. और जो बच जाता है उसको कहते हैं रिमाइंडर. मेन में से बच गए हैं, रिमाइंडर. तो जिस नंबर को डिवाइड करना है उसको कहते हैं डिविडेंड. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब जितने बच्चों में डिवाइड करना पड़ेगा या जितने बैग्स बनाने पड़ेंगे, उसको कहते हैं डिवाइजर. जितने बंडल्स बन रहे हैं उसको कहते हैं क्वेशेंट, और जो बच जाता है उसको कहते हैं रिमाइंडर. Now, if I have to distribute a large number of pens,
previously I had only 12 pens and 14 pens. Now I have to divide 50 pens. Among four students. तो अब मैं repeated subtraction नहीं कर सकूं, नहीं करूंगी. What I will do is, I will divide instead of repeated subtraction. So I'll divide by 4. Now how I am dividing, see. ये first number जो है, ये 4 से बड़ा है. तो हम फर्स्ट नंबर को ले सकते हैं. 4 1 4, 4 का टेबल पढ़ेंगे. जब तक यहां पहुंचेंगे, ये जो नंबर है यहां तक जब हम पहुंचेंगे उसी को हम लिखेंगे. इससे ज्यादा लिख नहीं सकते, क्योंकि जितनी बार हम यहां क्वेश्चन के जगह नंबर लिखते हैं, ये दूसरा फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है. 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ रहा है. तो 4 का टेबल पढ़ रहे हैं, 1 के प्लेस में 4 आ रहा है. तो यहां एक नंबर लिखेंगे, यहां एक नंबर लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट के बाद ही कहीं दूसरे नेक्स्ट नंबर को हम ले सकते हैं. तो 5 में से 4 गए 1. अब हम इस नंबर को नीचे लेकर आएंगे, ये है 0. फिर हम टेबल पढ़ते हैं, 4 1 4 4 2 8, 4 3 12. अब 12 10 से ज्यादा हो जाता है तो हम इसी को लेंगे, 4 2 8, माइनस करेंगे. फिर मैं बता रही हूं, जब हम टेबल पढ़ते हैं तो यहां एक नंबर लिखेंगे, यहां एक नंबर लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद कहीं हम आगे बढ़ सकते हैं. तो यहां हमारे पास आ गया 2. ये हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ पेंस. इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड. इस 50 को हम क्या कहेंगे, डिविडेंड. डिविडेंड, डिविडेंड किसे कहते हैं, द नंबर विच इज डिवाइडेड. जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसे कहते हैं डिविडेंड. नेक्स्ट वर्ड जो मैंने यूज किया था वो था डिवाइजर. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, द नंबर विच डिवाइड्स, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर. नेक्स्ट क्या है, इस नंबर को मैंने कहा था क्वेशेंट. क्वेशेंट किसे कहते हैं, द आंसर ऑफ डिविजन इज कॉल्ड क्वेशेंट. द आंसर ऑफ डिविजन इज कॉल्ड द क्वेशेंट. तो हमारे पास क्वेशेंट है 12. और नीचे जो बच जाता है, द लेफ्ट आउट और द रिमेनिंग नंबर इज कॉल्ड द रिमाइंडर. तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, यहां 2. अब हम इसको चेक करेंगे, फिर से देख लेते हैं. ये हमारे पास डिविडेंड, ये हमारे पास डिवाइजर, ये हमारे पास क्वेशेंट और ये हमारे पास रिमाइंडर. इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करते वक्त हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. अब डिवीजन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है बच्चे, यहां देखो, अगर मैं यहां लिख रही हूं 15 इज इक्वल टू 3 × 5, ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है जहां हम 3 × 5 15 कर रहे हैं. और हर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के दो डिवीजन फैक्ट होते हैं. 15 / 3 = 5 एंड 15 / 5 = 3. इसी तरह से हम अपना आंसर सही है या नहीं चेक करते हैं. चेकिंग करने के लिए क्या करेंगे, 4 × 12 क्या हो गया, 48.
और इसके साथ रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। यानी हमने क्या किया, क्वेश्चेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके साथ हमने रिमाइंडर को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, डिविडेंड। क्वेश्चेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। नाउ चिल्ड्रन, सी वी हैव दिस नंबर 172 डिवाइडेड बाय 3। यहां फर्स्ट जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से छोटा है, तो हम फर्स्ट टाइम दो नंबर्स को ले सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट टाइम यहां जितने नंबर्स हैं उससे ज्यादा नंबर्स यहां ले सकते हैं अगर ये नंबर डिवाइजर से छोटा है तो। तो यहां हमने इन दोनों नंबर को ले लिया इकट्ठे, सो 3 5 15 माइनस किया 2, और अब हम इसको नीचे लेकर आएंगे 3 7 20 1 एंड द रिमाइंडर इज 1। यहां फर्स्ट वाला नंबर और डिवाइजर सेम है तो हम फर्स्ट वाले नंबर को ही लेंगे, 5 1 5 माइनस करेंगे, यहां आ गया 0, तो हमने क्रॉस लगा दिया। अब ये हम 1 लेकर आए हैं, अब ये 1 जो है ये 5 से डिविजिबल नहीं है, अब हम क्या करेंगे, रूल्स तो हमें फॉलो करना है, हमें यहां एक नंबर लिखना है, यहां एक नंबर लिखना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है तभी हम दूसरा नंबर नीचे ला सकते हैं। यहां क्या करेंगे, 5 0 0 माइनस, अब ये 1 फिर से आ गया, अब हम नेक्स्ट नंबर नीचे ला सकते हैं, अब 5 2 10 माइनस करेंगे, 3 आया, अब हम नेक्स्ट नंबर लेकर आ सकते हैं, 5 6 30 एंड माइनस करेंगे, एंड नाउ वी हैव नो रिमाइंडर एट ऑल। अब इसको चेक कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है 57, क्या है क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर, यहां क्या है 3। अब यहां हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, 3 7 20 1 कैरी 2, 3 5 15 प्लस 2 17। अब क्या करेंगे, ये रिमाइंडर है तो हम प्रोडक्ट के साथ रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड कर दिया, 172 ये बन गया डिविडेंड। सी 172 हमारा आंसर सही है। इसको भी हमारा क्वेश्चन है 1026 1026 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 6 30 5 2 10 एंड 3 1 5 0 0 एंड 1 5 1 5 सी 5 1 3 0 हेयर ऑल्सो द डिविडेंड इज 5 1 3 0। तो हमने क्या किया, क्वेशेंट मल्टीप्लाइड बाई डिवाइजर, यहां कोई रिमाइंडर नहीं था इसीलिए रिमाइंडर ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिविडेंड आ जाएगा। डिविडेंड डिवाइजर का लिखते हैं डी आर और डिविडेंड का लिखते हैं डी डी। चिल्ड्रन नाउ वी विल बी टेकिंग 2-digit नंबर एज डिवाइजर, सो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग। वी हैव टू नो द टेबल ऑफ 23 नाउ एंड दीज आर द 2-digit नंबर, वी विल टेक दीज 2-digit, इफ दीज 2 आर इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस नंबर वी कैन टेक 2 ओनली। अगर ये नंबर 23 से छोटा होता तो हम
थ्री डिजिट ले लेते, तो ये 23 से बड़ा है, तो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग 23 टूज 46, यहां एक नंबर लिखा, यहां एक नंबर लिखा, माइनस करना है, माइनस करके 14 में से 6 गए 8, क्रॉस. नाउ वी विल टेक डाउन द नेक्स्ट नंबर 23 थ्री 69, माइनस करेंगे 17 में से 9 गए 8, 7 में से 6 1, सो 18. नाउ वी विल ब्रिंग डाउन दिस नंबर 6. अब क्या करेंगे 23 8 जा 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 प्लस 2 18. नाउ वी हैव गॉट 2 एज रिमाइंडर. अगर हम यहां तक करके छोड़ देते हैं तो फाइन. चेकिंग कैसे करेंगे, 238 मल्टीप्लाइड बाय 23, सो एंड देन वी विल ऐड द रिमाइंडर टू द प्रोडक्ट एंड वी विल गेट द आंसर. और अगर हमें फर्दर डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, यहां एक पॉइंट लगाते हैं, इसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं. इसके ये पॉइंट लगाने के बाद हम कितने भी जीरोस ला सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में हमने पढ़ा है वी कैन ब्रिंग एज मेनी जीरोस आफ्टर दिस पॉइंट, इट डजंट हैव एनी वैल्यू. सो वी यूजुअली डोंट पुट दिस जीरोस, ये हम इमेजिनेशन में लेकर आ जाते हैं कि इसके बाद हम कितने भी जीरो ला सकते हैं. नाउ आई हैव पुट अ जीरो ओवर हेयर, पर ये जो जीरो लगाया है तो भी यहां डिवाइजर 23 है और यहां 20, ये डिवाइड नहीं हो सकता है. पर जब भी हम कोई नंबर यहां लेकर आते हैं उसके बाद हमें यहां एक नंबर लिखना पड़ता है और यहां एक नंबर लिखना पड़ता है, ये कंपलसरी है. तो हम क्या करेंगे, 23 जीरोस अ जीरो माइनस कर दिया, यहां 20 आ गया. अब हम एक और जीरो यहां ला सकते हैं. इसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, 23 एट अ 180. Now we can go on dividing like this. यहां इसके बाद जितने भी digits आ सकते हैं, you can go on dividing. If you found this video useful, do share it with your friends and all others who can be benefited.